नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं टीआरसी टेक। दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो में खास वीडियो होने वाला है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो प्रिंटर है हमारा HP LaserJet 712, ठीक है, ये बड़ा प्रिंटर A3 प्रिंटर है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम चेक करेंगे, ठीक है। इसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, देखिए ये मॉडल दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं मॉडल। एक मिनट मैं ज़रा दिखाता हूँ सामने से, क्योंकि बड़ा सा प्रिंटर है। ये देखिए दोस्तों, ये मॉडल देखिए HP LaserJet 712M, ठीक है। तो इसमें ये A3 प्रिंटर है और डुप्लेक्स भी है, ठीक है। डुप्लेक्स शायद नहीं होगा, तो अभी ये आइडिया नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है DN वगैरह। तो इसमें देखिए ट्रे 1 ट्रे 2 ट्रे 3, तीन ट्रे होता है और इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम पावर लगा कर देखते हैं, डिस्प्ले आएगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पावर कनेक्ट करते हैं और डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है जब डिस्प्ले नहीं आया, देखिए ऑन हो चुका और यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इनिशियलाइज भी हो रहा है, इंजन भी हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, आवाज़ भी आ रहा है, ठीक है। पर क्या है, इसमें डिस्प्ले नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक पड़ी है और ये एरर भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये केस क्या है अभी हम जानते हैं। तो हम लॉजिक कार्ड हमारा प्रॉब्लम होता है सबसे पहले, डिस्प्ले नहीं आया तो, और कंट्रोल पैनल की, तो कैसे इसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें जो लॉजिक कार्ड होता है वो इस साइड में होता है, देखिए जब जहाँ से पेपर निकलता है इस साइड में होता है। देखिए एक एरर आ गया स्माइल का और हार्ट का, ठीक है। तो ये LED जल रही है रेड, ठीक है, यानी कि कार्ड में प्रॉब्लम है। देखिए ग्रीन के साथ रेड LED, ठीक है। तो इसमें कार्ड की प्रॉब्लम है, अब चेंज करना पड़ेगा आपको लॉजिक कार्ड। लॉजिक कार्ड रिप्लेस करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से खोलना होता है, ठीक है, नीचे का और ऊपर का, और कनेक्ट कर देना होता है आपको। ये देखिए ये भी खोलने के बाद आपको सीधा स्लाइड कर लेना था पीछे की तरफ, ये देखिए ऐसे, ओके। ये देखिए आसानी से हमारा लॉजिक कार्ड बाहर निकल चुका है। दूसरा लॉजिक कार्ड ऐसे लेंगे, ठीक है, और इसका पार्ट नंबर अगर हम देखने की ट्राई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इसका प्रोडक्ट डिटेल है, ओके, और नीचे मैक एड्रेस दिख रहा है आपको, तो और कुछ नहीं है। और इधर भी आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है इसका प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब हम सिंपली दूसरा कार्ड लेंगे ऐसे, आपको क्या करना है लगा देना है दोस्तों, ठीक है, डिस्प्ले ना आए तो। इसमें एक फ्यूजर एरर का मैसेज आता है, तो फ्यूजर बहुत आसानी से खुलता है, देखिए फिर हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, फिर भी हमारा सेम एरर आ रहा है, ठीक है। देखिए इनिशियलाइज फिर से होना चालू हो गया, क्योंकि हमने अभी लॉजिक कार्ड लगाया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब बात करें तो हमारा फ्यूजर कैसे रिप्लेस होगा, इसका फ्यूजर कैसे चेंज करते हैं, तो ये सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। और फ्यूजर रिप्लेसमेंट के लिए आपको करना क्या होगा, ये खोलना होगा, ठीक है, और ये दो पेंच खोलोगे और ये, तो ये फ्यूजर ऐसे स्लाइड होकर बाहर आ जाता है और एक लॉक निकालोगे यहाँ से, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। फ्यूजर दूसरा लगाइए, चेंज कर दीजिए, प्रेशर टेफ्लॉन प्रेशर वाला चेंज करना है, टेफ्लॉन प्रेशर वाला चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। और डुप्लेक्स यूनिट में अगर जाम हो जाता है आपका पेपर तो इसको क्लीन करिए, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब डस्टिंग वगैरह आ जाता है तो इसकी वजह से भी इशू आता है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और VServe Academy को ज्वाइन करिए ऐसे कोर्स करने के लिए, ऐसे टिस टाइप्स के प्रिंटर रिपेयर करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए एरर आप देख के पता कर लेंगे कि एरर क्या है, कार्ड खराब है, डिस्प्ले नहीं आ रही है और ये एरर देगा, और नीचे हार्ट का एरर देखने को मिल जाएगा आपको इस साइड में। ये बड़ा सा प्रिंटर है तो इसको ये देखिए, ठीक है, एरर देख के आप जान सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और USB डिटेक्ट नहीं करेगा तो लॉजिक कार्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, और डिटेक्ट कर रहा है तो आप कंट्रोल पैनल की केबल चेक करिए, कंट्रोल पैनल चेक करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।